लोकसभा चुनाव 2019 का महापर्व जारी है और इसी कड़ी में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण के मतदान होने हैं। वहीं बात की जाए बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की, तो यहां सातों चरणों में मतदान होगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, सियासत है, वो एक बार फिर से गरमा गई है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की जो एक रैली की जानी थी आज के दिन, वो रद्द कर दी गई। कोलकाता पुलिस की ओर से ये हवाला दिया गया कि ये जो रैली है वो गलत तरीके से की जा रही है, इसीलिए इस रैली की इजाज़त नहीं दी गई। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई। कोलकाता पुलिस ने रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को बाइक रैली निकालने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की बाइक रैली शुरू होने के ठीक पहले इजाजत देने से मना कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से कहा गया कि रैली के दौरान राम की केवल एक ही तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में रैली करने की इजाजत रोक दिए जाने पर काफी निराशा है। पुलिस के रैली रोके जाने पर विश्व हिंदू परिषद सदस्यों ने राम की तस्वीर के साथ भगवे झंडे के साथ स्थानीय रैली निकालने की कोशिश की। विश्व हिंदू परिषद की रैली दक्षिण बंगाल में व्यापक तौर पर निकाली जानी थी। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि इस बार की रैली में हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किया जाना था। विश्व हिंदू के संगठन सचिव सचिंदर नाथ सिन्हा ने कहा, हमारी संस्था की अधिकृत रैली में पुलिस के दिए गए आदेशों का पालन किया जाएगा। इस रैली में कोई भी हथियार लेकर नहीं आएगा। इस दौरान संगठन के सचिव ने कहा कि जो उनकी रैली है वो कोलकाता पुलिस के जो नियम है उसी के अनुसार की जानी है। हालांकि इसके बावजूद भी रैली को ना किए जाने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद से सभी कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। गौरतलब है कि इससे पहले भी अमित शाह की पश्चिम बंगाल में जो रथ यात्रा निकाली जानी थी उसको भी ममता सरकार ने रोक दिया था, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई थी। लेकिन अब इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में VHP की रैली को रोका गया है, जिसके बाद से सियासत लगातार गरमाई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़।